हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पेटीएम में हम कैसे यूज़ करते हैं। पेटीएम में आपके जैसे कि मेन बैलेंस में अगर वॉलेट में कोई पैसा है, उसे आप अपने पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें वॉलेट के थ्रू किसी को मनी ट्रांसफ़र करना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। इसके लिए हम जो हमारा पेटीएम का जो मेन बैलेंस रहेगा वॉलेट के अंदर, उसको हम उसके अंदर कैसे यूज़ करें, किसके अंदर? तो हम अगर मान लीजिए जैसे कि ये पासबुक है मेरा, पासबुक मैंने चेक किया, मेरे में कुछ 100 समथिंग बचे रहेंगे, क्योंकि पहले 200 समथिंग था, उसमें से मैंने 120 का डेबिट कार्ड का ऑप्शन डाल दिया था, इसके लिए वो डिडक्ट हो गया था। यहाँ जैसे अभी 96 दिख रहे हैं, राइट, सैम्पल अनअवेलेबल, ओके फाइन। जैसे कि ये देख रहे हैं आप 96, अगर मुझे इसका अपने पेटीएम का जो मेरा बैंक है उसमें ट्रांसफ़र करना, बैंक इन द सेंस, ये देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन किया गया है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, और दैट इज़ मनीष रंजा, मेरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे, अकाउंट नंबर जो 9189767205 के नाम से है, यहाँ पे IFSC कोड है मेरा, ठीक है, यहाँ पे IFSC कोड है, ये IFSC कोड हमको डाल करके और इसमें पैसा ट्रांसफ़र, अगर मान लीजिए मुझे अभी किसी से पेमेंट मंगाना हो तो सामने वाले को सिर्फ इतना बताना है कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और इसमें जो बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक सेलेक्ट करना है उन्हें, ठीक है, वहाँ पे ये अकाउंट नंबर डालेंगे वो और ये IFSC कोड डालेंगे, डायरेक्टली इस अकाउंट में पैसा आ जाता है। यहाँ पे आ गया तो आप इजीली यहाँ से मनी ट्रांसफ़र का जो दिया हुआ है यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे किसी भी अकाउंट का नंबर डालिए, जैसे मैंने यहाँ अकाउंट नंबर डाला और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालिए जो डालना है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मनीष, ओके, IFSC कोड हमें डालना है तो IFSC कोड जो आपका बैंक का रहेगा वो डाल दीजिएगा आप, ओके, ये जैसे IFSC कोड डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाता है, अब IDBI बैंक का है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है 5000 समथिंग, वट एवर अमाउंट विल बी देयर, आपको जैसे कि आप 10,000 डालना चाहोगे तो एक साथ डाल सकते हो, यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए इसमें बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से 10,000, 5,000, 15,000 जितना डालना है एक साथ डाल सकते हो, बट अगर आपको उसमें यहाँ से यूज़ करना है, कहाँ से, जो आप होम पे से यूज़ करते पासबुक के थ्रू आ करके, यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे सेंड वॉलेट के अंदर जो बैलेंस है, सेंड मनी टू बैंक। तो क्या करने का, वॉलेट में जितने भी बैलेंस रहेंगे सब ट्रांसफ़र करके आप क्या कर लो, अकाउंट नंबर डालो पेमेंट बैंक का, यहाँ पे अपना अकाउंट बैंक पेमेंट बैंक का सिलेक्ट करो और यहाँ से जाकर के 10,000 है तो 10,000 तो एक साथ जाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या करो तो आप 5,000 करके आप लेते जाइए, ठीक है। जैसे आप ये डाल दोगे 5,000 तो आपके जो अकाउंट में बैलेंस रहेंगे 5,000 वो आपके इस अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें कंफर्मेशन देना है। बेनिफिट ये है कि आप अगर KYC करवा लेते हो तो फ्री जो इसका फ़ी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप करवा सकते हो, ठीक है जी, ओके। तो यही मुझे बताना था कि आपको कभी जैसे पेमेंट बैंक में आ गया तो आप इजीली वहाँ से 5,000, 10,000, 20,000 जितना करना चाहोगे वहाँ से कर सकते हो आप। इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप उस पेमेंट बैंक में पैसा रखते हो ना तो आपके पास मान लीजिए ये कार्ड दिया गया है, रुपए कार्ड रहता है, इसका आप फिज़िकल कार्ड मंगवा सकते हो, ये वर्चुअल कार्ड है। फिज़िकल कार्ड जो बनवाते हैं उसका 120 चार्जेस लगता है, तो अगर उसके थ्रू आपका ये काम हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो सेविंग अकाउंट्स है इसमें आपके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इसमें पैसा रखते हो तो आपको 4% पर NM के हिसाब से मिलता है पैसा, और इसमें हमारे पास फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप 6.85% इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। थैंक यू गाइस, यही बताना था मुझे, लेट मी स्टॉप।